व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ओजस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सारी चीजों के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो का फ्लो कैसे होगा एंड देन वी विल जस्ट लाइक कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, तो अभी सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले लो फ्रिक्वेंसी रीजन क्या होता है, देन हम सीखने वाले हैं हाई फ्रिक्वेंसी रीजन क्या होता है, देन हम लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के बारे में सीखेंगे। क्योंकि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जो है वो इट इज़ वेरी रिलेटेड टू दिस लो फ्रिक्वेंसी रीजन एंड हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। एंड वन मोर थिंग, इसके बीच में एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है मीडियन। तो मीडियन एक अपने आप में ही एक कंसेप्ट है, तो इसके लिए उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग और डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो अभी लो फ्रिक्वेंसी रीजन क्या होता है, अब सपोज मेरे पास एक इमेज है, सपोज ये मान लो ये मेरी इमेज है, तो अभी ऊपर जो है वो पूरा ब्लैक कलर है, लाइक ये पूरा ब्लैक कलर है और नीचे जो है वो पूरा व्हाइट कलर है। ओके, मतलब कहने का मतलब है ऊपर सेम कलर है और नीचे भी पूरा सेम कलर है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं द अपर पार्ट ऑफ द इमेज हैज मोर और लेस सेम कलर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द इमेज हैज मोर और लेस सेम कलर, राइट, ये हम कह सकते हैं। तो अभी लो फ्रिक्वेंसी रीजन का मतलब ये होता है कि वेन एवर देर इज सम रीजन विच हैज मोर और लेस सेम कलर, देन दैट रीजन इज नोन एज लो फ्रिक्वेंसी रीजन। ओके, अब हाई फ्रिक्वेंसी रीजन का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर है और यहाँ पे जो है ये जो बीच में का लाइन है, उस लाइन के मतलब ये जो लाइन है वो डिविजन है, मतलब यहाँ पे ब्लैक है और सडनली यहाँ पे व्हाइट हो जा रहा है। लो फ्रिक्वेंसी रीजन का मतलब ये है वेन एवर देर इज अ सडन चेंज, और यू कैन से वेन एवर देर इज एन एब्रप्ट चेंज बिटवीन द कलर्स, देन दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। ओके, अब ये इसका डेफिनेशन है, एक बार लो फ्रिक्वेंसी रीजन का डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। वेन एवर द ग्रे लेवल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर रीजन, देन दैट रीजन इज सेड टू बी लो फ्रिक्वेंसी रीजन। ओके, ये लो फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी रीजन का डेफिनेशन है। और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन का डेफिनेशन क्या होगा, वेन एवर देर इज अ सडन चेंज और एन एब्रप्ट चेंज, देन दैट रीजन इज सेड टू बी अ हाई फ्रिक्वेंसी रीजन। ओके, तो अभी ये जो है वो लो फ्रिक्वेंसी रीजन होगा और ये जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी रीजन होगा। ये जो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर क्या होता है, जो हमारा लो पास फिल्टर है वो हाई फ्रिक्वेंसी को निकालता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी को इल्यूमिनेट करता है। लो पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को निकालता है, और हाई पास फिल्टर क्या करता है, उसका उल्टा, लो फ्रिक्वेंसी को निकालता है। ओके, ये हाई फ्रिक्वेंसी का और लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर का काम है। अब ये जो लो पास फिल्टर है और हाई पास फिल्टर है, इसका मतलब है कि जो फिल्टर है एक कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में इस फिल्टरिंग के ऊपर सम्स पूछे जाते हैं, मतलब फिल्टरिंग के ऊपर ये थ्योरी भी पूछा जाता है, या तो अगर मतलब थ्योरी अगर नहीं पूछा गया तो सम पूछा जाता है फिल्टरिंग के ऊपर। तो अगर आपको वो सम परफॉर्म करना है, मतलब थ्योरी पार्ट तो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, सम पार्ट मैं दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा, सम लाइक अगले वीडियो में सॉल्व करने वाला है। तो अगर थ्योरी पूछी गई तो फिल्टरिंग जो होता है, फिल्टरिंग जो कॉन्सेप्ट है, उस फिल्टरिंग के सम को सॉल्व करने के लिए आपको दो कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला कंपोनेंट का नाम है ए, या ए का मतलब होता है इमेज। ओके, मतलब उसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी जो ए है वो उसका मतलब इमेज है, और वो जो इमेज है वो कोई भी साइज का हो सकता है। ओके, जो हमारा इमेज है वो कोई भी साइज का हो सकता है। और जो दूसरा कंपोनेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको फिल्टरिंग के ऊपर सम सॉल्व करने हैं, तो उस कंपोनेंट का नाम है वी। वी का मतलब है फिल्टर्स। ओके, अब फिल्टर्स के बारे में स्पेशलिटी ये है कि मतलब इमेज कोई भी साइज की चलेगी, बट जो फिल्टर हमारा है वो हमेशा ऑड साइज का ही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक बार रफ कर देता हूँ एंड देन आपको इसका मतलब बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ए कंपोनेंट है, ए का मतलब क्या होता है, इमेज। ओके, इमेज कैन बी ऑफ एनी साइज, राइट। एंड जो दूसरा कंपोनेंट है जो फिल्टरिंग के सम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो वी। वी का मतलब होता है फिल्टर्स, मतलब लाइक फिल्टर। और जो हमारा फिल्टर होता है, इट शुड बी ऑफ ओनली ऑड साइज। ऑड साइज का मतलब होता है 3x3, मे बी 5x5। ओके,
या 5x5 कह लो या 7x7 कह लो, ओके। अब ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों जरूरी है कि वो हमेशा और साइज का होना चाहिए? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें इंटरेस्ट है एक मिडल पॉइंट के ऊपर जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। मतलब 3x3 का मतलब क्या होता है? ये 3x3 हो गया, राइट। तो अभी ये हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें हमारा जो इंटरेस्ट है जो जब हम सम सॉल्व करते हैं वो है इस पॉइंट के ऊपर, ओके। अगर सपोज हमारा 8x8 का इमेज है, सपोज ये हमारा 8x8 का इमेज है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मतलब अभी मैं रफ में समझा रहा हूँ, बट जब हम सम सॉल्व करेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। ये मैं थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है सम में? इस मिडल पॉइंट को, इस ओरिजिन को उठा के बाकी के सारे पॉइंट्स के साथ आपको इसके एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन मल्टीप्लीकेशन एडिशन वगैरह लाइक सब प्रोसेस करके आपको एक नंबर मिलता है, एंड देन ऐसे नंबर आपको यहाँ पे मतलब आंसर में लिखने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, इसीलिए उसके लिए ओरिजिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये जो फिल्टर है वो ऑड साइज का ही होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपको वाइवा इस सब्जेक्ट का है तो वाइवा में अगर आपको पूछा गया कि क्या फिल्टर कोई भी साइज का हो सकता है तो आपको जवाब हाँ देना है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड जो हमारा फिल्टर होता है वो कोई भी साइज का हो सकता है, ओके। बट यहाँ पे और साइज का ही जरूरी है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको फिल्टरिंग के सम सॉल्व करना है तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो फिल्टरिंग से मेरा मतलब होता है लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, मीडियन, ये सारे फिल्टरिंग के ऊपर सम्स आते हैं एग्जाम में, तो फिल्टरिंग से मेरा वो मतलब था। मतलब इसमें लाइक कौन सा फिल्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ें चेंज होगी, बट ये सारी चीज़ें सेम है, ओके। जैसे कि ये अभी ऑड लगता है, देन इमेज कैन बी ऑफ एनी साइज, ये सारी चीज़ें सेम है, और आपको लाइक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करनी पड़ती। आपको तब समझेगा जब हम सम सॉल्व करेंगे, तो उसका टेंशन मत लो आप। तो अभी हम हमारे वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो है लो पास एवरेजिंग फिल्टर। लो पास इसका जो फॉर्मूला है, मतलब इसका जो फिल्टर है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ओके। और वो है 1/9 और ये 3x3 1/1/1। अगर किसी ने पूछा कि ये फिल्टर क्या होता है तो आप बिंदास ये लिख सकते हो, ओके। बट अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन में वो फिल्टर्स चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कोई और फिल्टर दे सकते हैं, एंड देन उस फिल्टर को आपको इमेज के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मुझे आपको तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने और मेरे टीम ने मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं नोट्स। नोट्स में हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स को आने वाले तीन मेजर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला है। सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम है थ्योरी। थ्योरी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस बुक में से आंसर लर्न करते हैं जो बुक से टीचर हमेशा नफरत करती है, और आपको पता है कि वो बुक कौन सा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस बुक में से आंसर लर्न करते हो और जब वो आंसर आपके पेपर में आप लिखते हो, एंड जब वो टीचर आंसर रीड करती है तो टीचर रियलाइज करती है कि आपने उसी बुक में से आंसर लिखा है जो बुक कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं करती और जो बुक हर एक टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं होती, और इसीलिए वो टीचर ट्राई करती है कि कैसे वो आपको उस आंसर में कम से कम मार्क्स दे सके, और ऐसी चीज़ हर एक आंसर के साथ होती है, और इसलिए आपको उस पेपर में बहुत कम मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी नोट्स में हमने क्या किया है, हमने यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड की है उस बुक से ही हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और हमने ये चीज़ इस तरीके से की है ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी जाए वो आंसर समझने में या से वो आंसर लर्न करने में। मतलब ये क्वेश्चन ये उसका आंसर, ये क्वेश्चन ये उसका आंसर, ओके। ऐसे लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्वेश्चंस को लिखा है और उनके आंसर्स को भी लिखा है। अब इससे क्या होगा, जब आंसर आप नोट से पढ़ोगे और एग्जाम में लिखोगे और जब वो टीचर आंसर रीड करेगी तो टीचर को रियलाइज होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड किया है उस बुक से आंसर लिखा है, और इसीलिए टीचर ट्राई करेगी कि आपको कैसे उस आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके वो, और यही आपका सबसे बड़ा फायदा है अगर आप इन नोट्स को परचेस करते हो तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सम्स। सम्स में क्या होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो
एक टॉपिक के ऊपर एक ही सम करते हैं एंड उसी सम के दम के ऊपर एग्जाम में चले जाते हैं। देन होता क्या है, एग्जाम में वो सम रॉन्ग कर देते हैं एंड देन उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, यू कैन से उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर केटी लग जाता है। अब नोट्स में हमने क्या किया है, हमने हर एक टॉपिक के ऊपर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सम्स कवर किए, इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड हमने वही सम्स कवर किए हैं, वही एग्जाम्पल्स कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और एग्जाम में आप उस सम को रॉन्ग कर ही नहीं सकते। ऐसा हमने हर एक टॉपिक के साथ किया है। अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर सम्स है इस सब्जेक्ट में तो हमने सम्स के जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर किया नोट्स में। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एग्जाम क्रैकिंग स्ट्रेटेजीज, एक्चुअली ये लाइक एक छोटा सा पार्ट है। इसमें हमने क्या किया है, हमने पासिंग परसेंटेज और टॉप मारने के परसेंटेज, इन परसेंटेज को डिवाइड किया है और आपके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजीज दी है। मतलब अगर आपको पास होना है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर आपको 80 on 80 स्कोर करने हैं, यू कैन से लाइक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 70 के ऊपर स्कोर करने हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, ये हमने उन नोट्स में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नोट्स का प्राइस है वो है ओनली 200 rupees। ओके, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही मैंने रखा है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर आपको नोट्स परचेस करना है तो नोट्स कैसे परचेस करते हैं उसका एक सिंपल सा मेथड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो मेथड को रीड कर सकते हो और उस मेथड में जो भी स्टेप्स दिए उन स्टेप्स को फॉलो करके आप वो नोट्स आराम से परचेस कर सकते हो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, वैसे मैंने इस सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया और उन सारे वीडियोज़ को कंबाइन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में YouTube पर ही देख सकते हो। एंड द थर्ड मेजर थिंग इज दैट कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्लैनेट ओजस। प्लैनेट ओजस पे आई मेक मोटिवेशनल वीडियोस, आई मेक व्लॉग्स, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जिन चीज़ों ने मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एंड आई एम 110% श्योर कि ये सारी चीज़ें जो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो अगर आपको आपके लाइफ में चाहिए ग्रोथ, अगर आपको आपके लाइफ में चाहिए कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक एवरीथिंग, तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है प्लैनेट ओजस को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को दे दो एक थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।